ससुर का कैसा था आपका सासलू ससुर का बस बातें गलत करते थे अकेले में जब होते थे हम एक ही रूम में हम सोते थे सारे आपकी बेटी ने जब आपको ये बात बताई तो आपका क्या रद्द था बच्चा पहला, पहला हुआ ना उस वक्त उसने हमें बताया था कि मेरा शोहर पागल भी है और ये नशा भी करता है उनसे बात की लड़की ने अपनी नसें नसे कटी हुई थी अपना गला काटा हुआ था और हस्पताल में लेके गए थे उसको अभी आपका निकाह पढ़ाया गया है वो शख्स ड्रग्स ले रहा है आपने ये बात वाले को बताई जी नहीं बिल्कुल नहीं बताएं ज़रा क्या सोच के नहीं बताया उसने कहा था कि मैं छोड़ दूंगा उसने इस तरह मुझे बताया तो मेरे से तो रोक कटे खड़े हो गए मैं या खुदा या मैं एक बेटी की शादी की कि मैं किसी कंजर खाने में बेटी भेजी है मैंने ये मेरी बच्ची की सेल कर रहा है अब मुसलमान हैं मेरी मदद की जाए बस और कुछ नहीं, नहीं चाहिए इनको हक दिया जाए मुझे कुछ नहीं चाहिए मासूम ने परवान चढ़ना है कौन इसको करेगा कौन इनको कबूल करेगा असलम नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान रुवीजा राजपूत व्यूअर्स आज आपको लाहौर की एक ऐसी मजलूम फैमिली के घर लेकर आई हूँ जो माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते हैं और न जाने कितनी चाहतों से मोहब्बतों से इतनी परेशानियों से उसका जहेज़ बनाते हैं उसको विदा करते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो जहाँ भी जाएगी बहुत खुश रहेगी और वो बेटी जब शादी करके जाती है उसे पहले दिन पता चलता है कि जिस शख्स से उसका निकाह पढ़ाया गया है वो शख्स ड्रग्स लेता है नशा करता है वो उसके साथ ज़िंदगी गुजारती है दो बच्चे हो जाते हैं और वो शख्स इसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ छोड़ देता है इसी सिलसिले में ससुर बच्ची पे बुरी नज़र रखता है और कहता है कि मेरा बेटा पागल है नशही है तुम मुझसे निकाह कर लो इतनी सूरत हाल को देखते हुए एक दिन वालदा को पता चलता है और अपनी बेटी को वापस ले आती है अब उस बच्ची के दो बेटे हैं और वो अपने वालदे के साथ रह रही है तफसील क्या है क्या किसने रिश्ता आया करवाया और उस बच्ची ने क्या क्या जुल्म सहे ये उसी से जानते हैं मेरे साथ रही। जी नाजरीन इस वक्त मेरे साथ जहरा और उनकी वालिदा मौजूद हैं इनसे बात करते हैं और असल हकीकत क्या है वो इनसे जानते हैं अस्सलाम 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 वालेकुम 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 जी, जी। क्या हाल है ठीक ठाक है शुक्र मौला का जहरा सबसे पहले तो मुझे बताओ आपकी उम्र क्या है बहुत छोटी सी लग रही है मुझे आप साल साल की बीस साल इनकी जी उम्र है कि, किस साल में आपकी शादी हुई थी किस साल में सोलह साल की उम्र सोलह साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी मतलब आज से कह लगभग चार साल हो गए जी ये दो बेटे आपके हैं हाँ जी कितने साल के हैं एक तीन साल के एक दो साल के पढ़ा आपने जी मैट्रिक किया मैट्रिक के रिजल्ट आते साथ शादी हो गई या कंप्लीट करने के बाद कॉलेज ज्वाइन किया फिर शादी हुई कॉलेज ज्वाइन करने लगी थी रिश्ता आ गया तो मम्मा ने कर दिया अच्छा जहरा मुझे ये बताओ कि हमने जो तफसीलात सुनी है कि जो शोहर थे आपके वो नशा करते थे आप ख़ुद भी इतनी छोटी सी हैं आपको तो इन चीज़ों को ज़ाहिर है ना कभी देखी होंगी ना पाई होंगी तो क्या उसने आया आपको बताया था कि वो नशा करता है हाँ जी बताया था दिखाया था मुझे उसी वक्त उसी रात को दिखाया था कि मैं ये करता हूँ शादी वाले दिन हाँ जी क्या कहता है कहता है मैं ये ड्रग्स लेता हूँ तो ये मैं छोड़ दूँगा ये लास्ट टाइम कर रहा हूँ मैं क्या आपने वो चीज़ें पहले देखी हुई थी नहीं बिल्कुल नहीं देखी हुई क्या अशिया थी कुछ बताती हैं आप वो एक वाइट था कागज़ में रेपर में एक वाइट था वही मेरे सामने भी उसने उसे रात किया था कहता था मैं छोड़ दूँगा ये सिर्फ लास्ट टाइम कर रहा हूँ क्या आपने पहले दिन ही आपने देखा कि जिस शख्स से आपकी शादी हुई है अभी आपका निकाह पढ़ाया गया है वो शख्स ड्रग्स ले रहा है। आपने ये बात वाले को बताई जी नहीं बिल्कुल नहीं बताई ज़रा क्या सोच के नहीं बताया उसने कहा था कि मैं छोड़ दूँगा इसलिए मैंने घर वालों को नहीं बताई पहले से वो इस हालात में थे जिस उन्होंने शादी की थी मेरी अच्छा हम वाल, इनकी वालिदा से बात करते हैं बच्ची तो इस कदर घबराई हुई है कि ज़ाहिर है उसने एक बेटी क्यों बताएगी अपने वालदान को इतनी मुश्किल से वालदान शादी करते हैं अपनी बेटियों की और वो जब अपने घर चली जाती हैं पहले पहले दिन वो ये कैसे बात बता देती है इनकी वालदा से बात करते हैं और इनसे जानते हैं माँ जी मुझे बताएं कि किसने रिश्ता लगाया था ये ये क्या नाम थे मोचे दरवाजे में मैं जब बात करती हूँ की मुझे आदत सी है मौची दरवाजे के रहने वाले लोग थे वो मेरे कस्टमर थे तो उन्होंने रिश्ता करवाया था अली मेडिकल स्टोर वालों ने उनके रिश्तेदार भी थे ऊपर से वो हमारे भी जानने वाले थे उन्होंने रिश्ता करवाया ये तो हमें नहीं पता ये हम हमारे साथ धोखा करेंगे इनको सारा इलम था लड़का डिफेक्टर है तो फिर भी उन्होंने हम सारे हमारे गरीब देख के ये कुछ करेंगे नहीं ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे ये खुला नहीं लेंगे या कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जैसे भी हम कर लेंगे सीधे साधे से लोग हैं ये कर लेंगे तो बस हमने इतने अरसे पहले की बात है कि वो रिश्ता लेने के लिए यहाँ पर आए कि ये तकरीबन तीन साल से पहले और रिश्ता लेने के बीस दिन के अंदर अंदर शादी गई उन्होंने इतने हमने कहा भी कि हमारे आ, फैमिली घर में हमारे इतने वसायल नहीं है हमारे पास कुछ है ही नहीं वो कह रहे हम हर चीज़ देंगे आपको आपको होटल का खाना के पैसे भी देंगे होटल भी बुक करवा के देंगे जहेज़ भी देंगे बच्ची को मकान भी लेके देंगे इसके नाम पे मकान बड़े उन्होंने दावे किए बड़े वादे किए मेरे साथ क्या वो दिखने में ऐसे थे बाहर ऐसे नहीं थे मुझे नहीं पता था अच्छे खाते पीते लोग थे वो कह शायद करेंगे वो अपने बेटे के लिए अपनी औलाद के लिए हमें नहीं मालूम था वो हम हमारे साथ फ़्रॉड करें कि भोले भाले से हम उसको लूट लें कैसी फैमिली थी उनके कितने बच्चे थे ज़रा तफसील से बताएं फैमिली तो वो जो पहली बीवी से एक बेटा था वो जुल्फ नाम था उसका और जो दूसरी दूसरी दुस, बीवी थी उसका नाम उसकी बेटे का नाम था मोहम्मद अली तो मोहम्मद अली जो मेरा दमा था मतलब तो एक बेटा था कह बेटा था वो मेरा दमा था मगर अच्छे हमारे साथ बड़ा शुरू शुरू में बड़ा अच्छा ताउन किया उसके बाद अपना आप दिखाना शुरू कर दिया कुछ एक बच्चे के साथ वो बड़े अच्छे से रहे कुछ मिलते जुलते भी रहे एक साल के बाद जब बच्चा दूसरा पैदा हुआ उनके करदार में मनफी आ गई वो करदार उनका ना ख़राब हो गया मतलब उनको ये महसूस होना शुरू हो गया कि अब ये जी औलाद है नरीना औलाद है और दो दो बेटे हो गए हैं मेरी, मेरी उसकी सास ने मुझे कहा अगर एक बेटा होता तो, तो मैं निकाल देना था अब दो बच्चे मैं कैसे निकालूँ मैं क्या मतलब क्या कहना चाह रही हैं कहती हम समझ हमें समझ नहीं आ रही हम इसको कैसे तलाक दें कैसे निकालें मैं क्या ये क्या बात है क्या ये बातें कब शुरू हुई कोई ऐसे इख्तलाफ पैदा हुए थे या वैसे खुद ही सुनाना शुरू कर जब ये बच्चा पैदा हुआ दूसरा तो उनके दिलों में ये आगे बस या जदाद के मालक बन गए हैं ये हमें इनको कुछ देना पड़ेगा ये लड़की हमें कुछ तंग करेगी क्योंकि हमने उनकी कुछ गलतियाँ देखी हैं हमने उस पर इतजाज किया जो सुस्ता उसकी गलत नज़र थी हमने थोड़ा सा एहतजाज किया कि आपकी गलत नज़र आपने गलत बातें हमसे करते मेरी बेटी के साथ गलत बातें करते हो तो आपका किस तरह की गलत बातेंगे किस तरह की गलत बात वो इस तरह की गलत बात करते थे कहने लगा ये बच्चा जब पैदा हुआ तो मुझसे मेरे डायरेक्ट मेरे साथ उसने अपना शादी का केस आगे कर दिया कहने लगा ये बच्चा पैदा हो गया मैं बहुत जवान हूँ मुझे में बड़ी ताकत है आप चाहें तो मैं हाक कर कर लेता हूँ तो मैं दूध की नहरी लगा दूंगा जब उसने ये बात की तो हम तो परेशान थे बच्चा पैदा हुआ था हम तो रो रहे थे बच्ची इस हालत में थी जिंदगी बहुत में कश्मश में थी हम अपने बच्चे को देख रहे थे कि मासूम बच्चा मैं इसको क्या जवाब दूँ मगर उसकी कैटागरी का तो हमें पता चल गया था मैंने फिर थोड़े दिन गुजरे तो उस, उसने अपने बेटे को जेल में कर दिया घर खाली कर दिया बेटी के साथ बेटी, सा, बेटी के साथ गलत बातें करता था आपके साथ क्या सलूक था आपकी सास का सास का वो ज़्यादातर घर नहीं रहती थी बस नहीं से रहती, रहती थी, थी।, थी और ससुर का कैसा था आपका सास सलूक ससुर का बस बातें गलत करते थे अकेले में जब होते थे हम एक ही रूम में हम सोते थे सारे गलत बातें करते थे कि अगर बेटा अगर बेटा तलाक ना दे तो सुसर तलाक दे हो तो अगर तो सुसर तलाक दे हो जाता है बेटा तलाक ना दे तो अच्छा मुझे ये बताओ जहरा कि जैसे वालदा बता रही हैं कि गलत नज़र रखता था गलत किस्म की बातें करता था रिश्ते की भी पेशकश कर दी वाले को मतलब बड़ी जुरत का बहुत जुरत की उस बंदे ने तो आपको क्या आपने कभी अपने शोहर को ये बातें बताई वो कहता है सब कुछ झूठ है मेरा बाप नेक है साफ़ है तो सूसरे कहते थे मुझसे कुरान उठा लो मैं नेक हूँ मेरे माँ बाप जब पूछते थे, थे ना कि आप क्या बातें करे कहता मैं नेक हूँ मैं कुरान उठाता भी तो, तो मैं भी सास को बताया सास को बताया कहते नहीं वो मेरा मियाँ इस तरह मेरे मियाँ इस तरह मैं अपने मियाँ पे बहुत यकीन करती हूँ वो इस तरह की बातें नहीं करते आपकी बेटी ने जब आपको ये बात बताई तो आपका क्या रद्द था मैं तो चीखे मार के रोने शुरू हो गई कि, कि हमारे साथ धोखा किया हम उनके घर गए लड़ने के लिए कि आपने हमारे साथ धोखा किया और लड़का नशा करता लड़का पागल है अब लड़का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो फिर आपने शादी क्यों की अब मुजरम है कहते आ, कोई जवाब नहीं दिया अब भाई हम तलाक दे लेते ले, ले जाओ फिर अपनी बेटी को ले जाओ हम हम मुजरम है तो ये बात आपको माजी कब पता चली और कब आप लोग गए इनसे ये बहस मुबास तकरीबन जब बच्ची को बच्चा पहला हुआ ना उस वक्त उसने हमें बताया था कि मेरा शोहर पागल भी है और ये नशा भी करता है तो हम उसी दिन के उनसे बात की लड़के ने अपनी नस नशे कटी हुई थी अपना गला काटा हुआ था और हस्पताल में लेके गए थे उसको तो हमने पूछा क्या हुआ ये खून है बह रही हैं ये क्या हो रहा है इसने बच्ची ने बताया कि मामा ये ये मसला हो गया लड़का पागल डिफेक्टर है पैसे मांगता है तो माँ बाप नहीं देते वो अपने आप को नशे काटता अपनी कभी गल कभी गला काटता है कभी अपने आप को आग लगाता है जब सुस्त पैसे नहीं देता मुझे ये बताएं कि जहेज का सामान भी अभी उनके पास है और हक महर भी नहीं दी नहीं दिया हक मैर नहीं दिया निका नामा जो निका नामा भी रजिस्टर नहीं करवाया उन्होंने गवर्नमेंट को निका नामा खुद रखा हुआ है निका नामा रजिस्टर नहीं करवाया हम कैसे तलाक लें कैसा खुला लें कुछ सबूत नहीं है हमारे पास हम कहाँ जाएँ किसके पास फरियाद करें और डेढ़ साल से बैठे ना आ रहे ना सामने आ रहे भागे हुए हैं घर को बेचा हुआ है और इधर के थे ये इस्लामपुर फैमिली हॉस्पिटल के सामने फैमिली इस्लामपुरे में इनका अपना घर था वो बेच के भागे हुए हैं और वहाँ पे मेरी बेटी भी आके गई थी तो वो पूरा घर सेल करके चले गए पैसा लेके भाग गए और पता नहीं कहाँ पर कहाँ नहीं है अच्छा जी जहाँ पर ये लोग रहते थे जिस घर में ये बच्ची ब्याह के गई थी वो घर बेच के आगे जा चुके हैं वो उल्टा मेरी बेटे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं ये बच्चे हमारे नहीं है ये बेटा जो पैदा हुआ है दूसरा ये हमारा नहीं है बड़ा बेटा हमारा है छोटा हमारा नहीं इस तरह के इल्ज़ाम तराशी करते हैं और गलत तरा इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि ये नशा लेके देती थी अपने शोहर को जबकि इसने कभी दुकान नहीं देखी पर चुनकी दुकान साथ वाली ये तो छोटी सी एक बच्ची है इसने देखा ही कहाँ हाँ जी जो कुछ पता नहीं बैठक करके साथ ही मैंने शादी करते पाप छोड़ने जाता था पाप लेके आता था इतना पर्दे में हमने रखा है बच्ची को तो हमें नहीं पता था कि ये लोग इसने जालम निकलेंगे इस पर बच्ची को इल्जाम लगा दिया कि ये नशा लेके देती थी अच्छा किस कदर ताजुब जी जी जब ये जाती थी ना इसको साथ लेके जाता था लड़का सहल के लिए कि मैं तुझे लेके जा रहा हूँ और दुकानों में देख दे, दिखा दिखा के पैसे मांगता था कि ये मेरी बीवी है अल्लाह जाने कई दफ़ा कई दफ़ा लोगों ने मुझसे बताया उसने इस तरह मुझे बताया तो मेरे तो रोक कटे खड़े हो गए मैं यह खुदाया मैं एक बेटी की शादी की कि मैं किसी कंजर खाने में बेटी भेजी है मैंने ये मेरी बच्ची की सेल कर रहा है कहता है हर दुकान में जाकर अपनी बेटी को दिखा रहा है और पैसे मांग रहा है ये तो उस भेज रहे हैं आपकी बेटी को ले के आओ वापस दुकानदारों ने मुझे कहा कि अपनी बेटी को लेके आओ तो ये आपकी बेटी को भेज देगा ये अच्छा मुझे जहरा ये बताओ कि आपके शहर का आपके साथ कैसा सलूक था क्या कभी कोई ऐसी जगह पर लेकर गया हो जहाँ जाकर आपको बहुत मायूब लगाओ या कोई गलत किस्म के लोगों को घर में ले आया हो ये डेली ड्रग्स लेने जाते थे तो मुझे साथ लेके जाते थे घुमाने के बहाने मुझे साथ लेके जाते थे आपको पता चलता था कि कोई ऐसी चीज ले रहा है जिसका आपको मालूम नहीं है नहीं मुझे स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं पता था साल बाद पता चला है कि मुझे उस जगह पे लेके जाते थे बीवी है ये नशा मांग रही है दुकानदारों फिर देते थे नशा की बीवी मांग रही है इसलिए वालों ने मुझे कहा कि तुम नशा लेकर देती हो जहरा मुझे ये बताओ कि आप पे तशद आपने कहा वो नहीं करता था लेकिन रोज़ आपको लेकर जाता था ड्रग्स लेने के लिए मतलब किसको दिखा के किसने ड्रग लेने हैं ये बताओ कि आप जब यहाँ पर आ गई तो उसके बाद कोई उसने ऐसा ख़्वास जाहिर की हो या आपके पीछे आ गया हो गया तुम वापस आ जाओ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कभी ऐसा नहीं हुआ ये कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें घर लेके देता हूँ या अपने माँ बाप के पास लेके जाता हूँ कभी नहीं कहता था बस ये अलग ले देता हूँ घर हाँ जी सो सर शुरू से कहता था कि मेरे बेटे को अपने घर ले जो किराया मैं दूंगा खर्चा मैं दूंगा और जब इधर आगे तो सब कुछ यानी कि भेज भूज के भाग गए ना खर्चा ना कोई चीज़ ना रहा कुछ भी नहीं रखते बच्चों से खुश होता था कि नहीं होता था बच्चों से बस आता था खुश था महीने में एक दफ़ा चक्कर लगा लेता था और उसके बाद हम बिल्कुल नहीं आ रहा अब कह अब फ़ोन करता कि मेरा अब तुम्हारे साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है मैंने अब तुम्हें कोई खर्चा नहीं देना तुम अपना ना ठिकाना कहीं और लगा लो और कभी आपने कहा कि अपने बच्चे ले जाओ मैंने कहा कहता मोची छोड़ दो मेरे माँ बाप ले जाएंगे जिसको देना होगा दे देंगे मतलब जिसको देना होगा दे जाएंगे और वही माँ बाप कहते हैं कि इनको बेच दो बेच दे हम दे कहते हम दो हमारे रिश्तेदारों के घर भेज दो इसको हमने जहां देने होंगे सेल करना होगा कर देंगे तो ये माँ बच्चों को सेल करने देगी माँ कभी अपने कलेजे का टुकड़े को, को बेचेगी अच्छा अब आप क्या चाहती हैं ये बताएं जहरा आप बताओ आप क्या चाहती हैं मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का हक दिया जाए जाएगा खर्चा लगाया जाए मेरा हक में मेरा हर सामान वगैरह मुझे दिया जाए और खुला दे दे मुझे आराम से तलाक देते दे मुझे आराम से अच्छा जहरा आप ये चाहती है कि जो इसका जहेज़ का सामान जो कि इनके माँ बाप ने न जाने कितने पैसे जोड़ के संभाल के किस तरह से ख़रीदा होगा और बेटी को दिया होगा वो तमाम चीज़ें वापस मिल जाएँ और हक महर भी नहीं दिया अभी तक वो मिल जाए और बाकी बस वो जान छोड़े आप मतलब चाहती हैं कि रिश्ते से आज़ाद हो जाए आप अच्छा। माजी आप क्या चाहती हैं आप मुझे इंसाफ चाहिए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ये इनकी जिंदगी परवान चढ़नी है इन्होंने अभी ये छोटे छोटे हैं इनका स्कूल का खर्चा इनकी पढ़ाई का खर्चा इन मुस्तबिल में अपनी ग़ुरबत की वजह से अपने बच्चे नहीं पढ़ा सके इन मासूमों की को ये पढ़ना चाहिए इनकी ज़िंदगी अच्छी बढ़ना चाहिए मुझे ये वैसे चाहिए कि ये बच्चों का खर्चा लगाए नहीं खर्चा लगाना इनको इतना दे देंगे कि अपना किराए पर चढ़ा के अपना बच्चों को पाल सके प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मैं अपने मीडिया से अपने बादशाह है हमारे कि इंसाफ हाँ इन किया है। कौन इसको करेगा, कौन इनको कबूल करेगा। बस इनका इंसाफ चाहिए खुदा खुदा आपकी मेहरबानी होगी मैं आपके साथ हाथ जोड़ती हूँ जरा कभी आपने ये नहीं सोचा की आप इन पे केस करो केस करते हैं पर अपने भाई भी देखते हैं उनके पीछे हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे हमें धमकियां भी दी जाती हैं अच्छा थ्रेट्स भी करते हैं आप हाँ जी माँ जी आपने नहीं सोचा कभी इन पर गुस्सा आ गया आपने कहा मेरी बेची की ज़िंदगी तबाह कर दी तो मैं इन पर आप कोई केस कर दूँ मैंने केस करने की बड़ी कोशिश की है मगर मेरे आगे जा नहीं रही कोई सुना ही नहीं कर रहा मेरी बात नहीं कोई सुन रहा वो कह रहे कि अब ना पैसा है ना मैं उनके साथ मुकाबला जालमों के साथ मुकाबला कर सकूँ वो हमसे कहता कि हमारे थोड़े से पैसे लगेंगे आप लोग बचेंगे नहीं हमें धमकियाँ दे रहे मारने की वो... ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਤਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਯਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਦੇ ਖੁਲਾ ਲੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਹਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਰਿੰਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਇਨਕਾ ਜੋ ਬੜੇ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਯਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਇਨਸੇ ਖੁਲਾ ਮਤ ਲੈ ਇਹ ਆਪਕੋ ਇਨਸੇ ਮਤ ਲੜੇ कुछ नहीं मिलेगा मुबला तो इनसे ना करें जी बहुत ख़राब लोग हैं जी ये हमारे माशरे की एक तस्वीर है जिसमें एक आम सी मज़लूम सी फैमिली को निशाना बनाया जाता है और उनकी छोटी सी बेटी को लोग रिश्ता मांगते हैं और इतना पागल हो जाते हैं खैर एंड पे जहाँ शादी हो जाती है और बाद में दो बच्चे पैदा करके उस बच्ची को उसके घर छोड़ जाते हैं तो ये हमारे माशरे की तस्वीर है जो न जाने किधर को जा रहा है हमारा माशा और लोग इस तरह धोखे पे धोखा क्यों करते चले जा रहे हैं इस बच्ची की ये छोटी सी बच्ची है बीस साल इसकी उम्र है दो इसके साथ बच्चे हैं और इनके जो माँ बाप हैं वालदा एक कपड़े सीती हैं दर्ज़न हैं इनकी क्या इतने अखराजात या अपने अखराजात न जाने कैसे उठा रही होंगी तो ये दो बच्चों को मज़ीद कैसे पालेंगी इस बच्ची का फ्यूचर पूरा तबाह हो गया उन दोनों बच्चों का आगे कोई फ्यूचर नहीं है तो हमारी तो देखने वालों से अल्तजा यही है कि अगर वो भी ये देख ले तो वो खुदा तुम को थोड़ी सी शर्म कर लो और अपनी जो नरीना औलाद है उनको आके उनसे मिलो या नहीं मिलना तो इसको इस झूठे रिश्ते रिश्ते से आज़ाद करो और अपने दोनों बच्चों का ख़र्चा दिया करो